राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आज के इस चुनावी सभा में उपस्थित यहाँ के इंचार्ज सेक्रेटरी श्री रमेश चनिताला जी, हमारे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले जी, हमारे कैंडिडेट शोभाताई बच्चन जी और हमारे एमएलए और जो युवा नेता है कुणाल पटेल जी, श्याम सानेर जी, चंद्रकांत हंडोरे जी, रामकृष्ण पाटिल जी, आशीष दुआ, वजायत मिर्जा, शरद आहिर, अनिल गोटे, अनीस अहमद और शिवसेना, एनसीपी, आप, समाजवादी और पार्टी के सभी उपस्थित नेतागण और इस मंच पर बैठे हुए मेरे सारे कार्यकर्ता दोस्तों और यहाँ पर पधारे हुए मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, किसान बंधुओं और हमारे सभी जनता इस सभा में है, उन सबको मैं हार्दिक मेरे ओर से स्वागत करता हूं। और उसी तरह मीडिया के मेरे दोस्त भी हैं और नौजवान साथी भी इसमें हैं। ये चुनाव बहुत ही इम्पोर्टेंट चुनाव है। ये चुनाव कोई छोटी मोटी चुनाव नहीं है। ये ना म्युनिसिपैलिटी की चुनाव है, ना जिला पंचायत की, ना एमएलए की। ये चुनाव देश के भविष्य को बनाने वाली चुनाव है और देश के भविष्य को बनाने के लिए हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उसको हिफाजत करने का अपना काम है। लोकतंत्र को टिकाना ये अपना काम है। अगर लोकतंत्र इस देश में नहीं, संविधान इस देश में नहीं, तो आपको कोई भी पूछेगा नहीं। अगर आज के वक्त तुम्हारे घर घर को हर पार्टी के लोग जब आते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि आपके पास वोटिंग का अधिकार है और वोटिंग ये सत्ता लाके देती है। सत्ता से हम अपने कार्यक्रम को और अपने पॉलिसी को अपने अनुष्ठान करते हैं। इसीलिए ये चुनाव बड़ा महत्व का है। तो इसीलिए ये महाराष्ट्र की धरती, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर, ऐसे तमाम नेता, दिग्गज नेता इस धरती पे पैदा हुए और गरीब लोगों के उत्थान के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन यहाँ पर बिताया। तो मैं उन सबको नमन करता हूँ जिन्होंने यहाँ पैदा होकर सारे दुनिया को, सारे देश को जो मार्गदर्शन दिलाया, ये सबसे बड़ी बात है। और वही काम आपको करना है। अगर आप वो काम नहीं करेंगे तो समझो कि आप आगे पीढ़ी को गुलामगिरी में ढकल रहे हैं। वो जिस पहले जैसे, आजादी के पहले जैसे दलित, आदिवासी, गरीब, ये सारे लोग जैसा एक गुलामों के जैसे रहते थे, वैसी ही परिस्थिति
फिर रहेगी अगर आप मोदी को और हमारे शाह को अगर वोट देंगे तो पूरा स्थिति गुलामों के जैसे हमारी बन जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। आप किसी के लिए वोट नहीं दे रहे, ये वोट अपने आप के लिए दे रहे हैं, अपने ये अपने उत्थान अपने पीढ़ी के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए दे रहे हैं और किसी के लिए नहीं है। कोई नेता आता है जाता है, लेकिन संविधान अगर आप बच गया तो ही हम बचेंगे, तो ही हम फिर राज करेंगे, फिर गरीबों का राज रहेगा। मैं सुना जब हमारी पार्टी स्प्लिट हो गई थी 1969 में, पहली मीटिंग इंदिरा गांधी जी की नंदुरबार में हुआ था तो लाखों लोग भिड़ गए थे। और जब नंदुरबार में इंदिरा गांधी जी पैर रखी तब पूरा हिंदुस्तान हिल गया और आपके वजह से हमारी पार्टी केंद्र में सत्ता में आई। ऐसा ये नंदुरबार धुले जिला है, तो कांग्रेस का गढ़ है, इसको हिफाजत आप पार्टी को भी करना, सबसे ज्यादा हिफाजत लोकतंत्र का, जमहूरियत का, प्रजातंत्र का, संविधान का करना है। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, किसी अपने फायदे के लिए नहीं है। मैं भी 53 साल से पॉलिटिक्स में हूं, मैं एमएलए भी हूं, था एमपी भी था, एमएलसी, एक इलेक्शन मेरे जीवन में नहीं हारा था, एक ही इलेक्शन जो 2019 का मैंने हारा। 53 साल से मैं जीतते आ रहा हूं, वो सिर्फ कांग्रेस के नाम से है। एक ही पार्टी में मैं हमेशा रहा, कभी पार्टी छोड़ के किसी और गया नहीं, किसी और देखा भी नहीं। इसीलिए मैं आपसे यही आपको सलाह देने आया हूं, ये लोकतंत्र की बात इसीलिए कर रहा हूं, ये सबसे बड़ा अच्छा एक मौका है जो हमारे संविधान को बचाने का। बीजेपी और आरएसएस के लोग संविधान को खत्म करने के लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं। 2024 में बीजेपी आरएसएस मोदी ये क्या चाहते हैं? इस देश में भारी बहुमत अगर आएगा तो संविधान को हम बदलेंगे। ये बात सबसे पहले 2015 में उन्होंने ही कहा था, उनके लोगों ने कहा था, आरएसएस के मुकेश मोहन भागवत ने कहा था, उनके एमपीज ने कहा था। और इधर इधर हमारे मोदी जी तो ये बोलते हैं मुझे 400 पार करना है। अरे 400 पार, 400 पार अगर आप अकेले करते हैं वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे और हमारे मालिक कौन है? जनता है, जनता तय करेगी, तुम नहीं। 400 पार मैं करूंगा, मोदी की गारंटी। 56 इंच की छाती, अरे भाई हर एक के पास छाती है, किसकी 54, 56, 52, 45 होती है? कौन टेप लेके तेरा माप के हम बोले हैं तेरी 56 इंच है? किसी टेलर ने आया था और वो सुनाया तुमको? लेकिन मोदी की आदत है झूठ बोलना और वो हमेशा झूठ बोलते आते हैं। अगर हम कुछ कहें तो चंद लोग ये कहते हैं भाई खड़गे साहब बार बार, राहुल जी बार बार मोदी को झूठा बोलते हैं। अब झूठा नहीं बोले तो क्या करना चाहिए आप ही बताएं। एक है, पहले इलेक्शन में उन्होंने क्या कहा? पहले इलेक्शन में तो उन्होंने कहा मैं अगर सत्ता में आऊंगा विदेश में जो काला धन है
जो कांग्रेस वालों ने रखा है, जो अमीरों ने रखा है, वो सब मैं देश में लाऊंगा। देश में लाकर सबको 15-15 लाख दूंगा। ये कहा या नहीं कहा? कहा तो मिला। तो कौन झूठे हैं? मोदी झूठे हैं क्या? हम कांग्रेस वाले झूठे हैं? मोदी झूठा हो सकता है? अरे वो देश का प्रधानमंत्री है, हरिश्चंद्र का बेटा है, तुम उसको ये कर रहे हो? झूठ बोलता? ठीक है, एक झूठ बोल दी। दूसरा, उन्होंने कहा एक साल के बाद मेरे नौजवान साथियों, मेरे नवा युवा मित्रों, आप सबको मैं हर साल 2-2 करोड़ नौकरी दूंगा। बोला या नहीं बोला? तो मोदी झूठ है क्या सच है? झूठ है, ये भी झूठ हो गया। और मोदी ने ये भी कहा, क्या कहा? मैं किसानों की आमदनी बढ़ाऊंगा, तुम्हारी इनकम डबल करके दूंगा। मैं एक किसान के एक उनके लिए अपना आस्था रखता हूं कि वो आगे बढ़े। तो उन्होंने डबल इनकम की बात की। मिला किसानों को डबल इनकम? अरे उनका कास्त करने का जो कीमत बढ़ गया डबल, लेकिन इनकम डबल नहीं हुई। इसीलिए उसको निकालना है, इसीलिए उसको निकालना है। तुम किसान लोग अगर नहीं ठहरेंगे, तुम्हारे लिए ठहरना है। ये झूठ बोल के चले जाते। शायद वो कल यहां आए थे ना? तो मोदी जी क्या बोले यहां? मेरे किसान भाइयों और बहनों को देखकर मुझे दुख होता है, मैं यहां का प्याज खा के बड़ा हो गया हूं। बोले नहीं? अरे सच बोलो भाई तुम। मैं यहां का प्याज खा के बचपन में इतना बड़ा हुआ, और यहां का कपास का जो धागा है उससे जो कपड़ा बनता है, वो कपड़ा पहन के मैं इतना बड़ा हूं। अरे उसके शरीर पे देखो, जितने भी रोज एक नया कपड़ा लाता है, वो धुले के कपास का कपड़ा नहीं, नंदूरबाग का नहीं, वो पूरा इजिप्शियन फॉरेन के कपड़े उसके शरीर पे। अब तुम्हारे को ऐसा बोलता है, मैं तुम्हारी प्याज खाया, तुम्हारे कपड़े पहन रहा हूं, तुम्हारे कपास के। इतना झूठ, झूठ के ऊपर झूठ। इसीलिए मैं उसको हमेशा कहता हूं उनको कि मोदी जी ये झूठों के सरदार है, ये झूठों के सरदार है, आप इनको मत मानो। एक बार तो उन्होंने कहा, मैं तो मेरी मां को भी देखा जब चूल्हे के सामने बैठती थी, जब लकड़ी चूल्हे में लगाती थी, जब वो हमारे पास क्या बोलते हैं वो इसके गोबर का वो गोबरी का एक गौरी अंदर लगा जब डालती थी, धुआं उड़ता था, आंखों में से पानी आती थी, वो देखकर मैं परेशान था। इसीलिए मैं LPG फ्री दे रहा हूं। दिया 500 रुपए का LPG सिलेंडर, अब उसने 1100-1100 रुपए कर दिया। अरे 1200, तुम पे और भी मेहरबानी हो गए हो, और ज्यादा करा 1200। देख कितना क्रूर है। अब देखिए, तुम तो गुस्से में रहना चाहिए हमेशा। तो ये 1200 रुपए हो गया, ये किसने किया? मोदी ने। और लोगों को ये कहता है, मैं मेरा साथ दो, देश का विकास होगा। कहाँ होगा भाई विकास? जो विकास करने वाले लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, किसान हैं, उनको तो तुम ठोक ठोक कर मार रहे हो।
फर्टिलाइजर की जीएसटी तुमने बढ़ाई, औषध का कीमत बढ़ाया, ट्रैक्टर के टायर के दाम बढ़ाए और ट्रैक्टर भी मंगा कर दिए। जो जो चीजें किसानों के लिए होना चाहिए वो चीजें उन्होंने महंगे कर दिए। पहला कोई ऐसा टैक्स नहीं था, लेकिन मोदी जी ने ये भी टैक्स गरीबों के ऊपर किसानों के ऊपर लगाया। और फिर ऊपर से अगर मोदी है तो मुमकिन है, भाई ठीक है मोदी है तो मुमकिन है टैक्स बढ़ाने का। आपने कभी देश के बारे में सोचा है? बात तो बहुत करते हैं, हम देश के लिए सोचते हैं। कांग्रेस वाले 70 साल में क्या किए? अरे मेरे भाई, अगर हम 70 साल में कुछ नहीं करते तो मोदी जी आप इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते। हमने देश को सुरक्षित रखा, पाकिस्तान को तोड़ दिया, बांग्लादेश को लिबरेट कर दिया, ये हमारा काम है। तुम क्या है, पहाड़ खोद के चूहा निकालते हो? ये देखो मैं शिकार कर दिया। पहाड़ खोदना, चूहा निकालना और बोलना ये है मोदी। अरे ऐसे लोगों से थोड़ी देश चलता है। ये इसके लिए इंदिरा गांधी जैसी नेता होना चाहिए, देश को बढ़ावा मिलने के लिए जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता होना चाहिए, देश को संविधान लिखने वाला डॉक्टर अंबेडकर होना चाहिए। और आप कुछ भी नहीं करे फिर भी बोलते हो देश के लिए हमने बहुत कुछ किया, और बार बार ये भी कहते हैं देश के लिए तो आजादी नहीं दिलाए, लेकिन उन्हें बोलते हैं हमको देश को मजबूत करना है। मजबूत कहां कर रहे भाई? हर लोगों को सता रहे, हर लीडर को सता रहे। 800 लीडर्स को उन्होंने ईडी के केस डालकर, उन्होंने आईटी के केस डालकर अंदर रखा है। कितने? 800। और जब वो शरण होते हैं, जैसा कि लंबा शरण करे, कौन हमारे एक चीफ मिनिस्टर थे ना, एक चीफ मिनिस्टर हमारे पार्टी से अशोक चौहान और हमारे अजीत पवार, शिंदे, ये सब ऐसा साष्टांग नमस्कार करे उसके सामने, लोगों को शर्म आती। अरे महाराष्ट्र ये मर्दों का स्टेट है, अरे मला मराठी येत आहे पण फार चुका होणे, फार चुका होणे आणि उद्या मोदी येऊन काहीतरी बोलू नये, म्हणून त्यासाठी मी जपून बोलतोय। मी त्याच्यासारखं खोटं बोलत नाही आणि रेटूनही बोलत नाही। देखिए उनका गरीबों के बारे में, 30 लाख वैकेंसीज सरकार में, 30 लाख वैकेंसीज केंद्र सरकार में आए, 30 लाख मधे तो एक ही भर्ती केला नाही। कारण काय की दलित लोकांना 50% जाते, दुसऱ्यांना 50% जाते, म्हणून ते कॉन्ट्रॅक्ट लेबर, डेली वेजेस याच्यामध्ये घेऊन त्यांना जसंच्या तसंच त्यांनी ठेवायला प्रयत्न केलाय। हे फार मुख्य आहे। तुम्हाला जेव्हा सशक्त करू शकत नाही, तुम्हाला मजबूत करत नाही, तर अशा माणसाला घेऊन काय करायचं? देशासाठी तरी काँग्रेसने लढला, कोण लढला? मग कशाला बीजेपीला वोट घालता हो? कशा पवारला वोट घालता? पवार म्हणजे शरद पवार नव्हे, अजित पवार, शिंदे, हे सगळे त्याच्या पाठीमागे लागले। धनावर देता तुम्ही, ज्या लोकांनी, काँग्रेसच्या लोकांनी फाशीवर गेले,
अनेक लोग शाळा सोडली, कॉलेज सोडला, घर सोडला, सगळं सोडून महात्मा गांधी बरोबर बुजाला बुजा लावून त्यांनी ह्या देशाला स्वातंत्र्य आणून दिलं, हे आमचं देण आहे, हीच आपली देण देशाला आहे। तुम्ही काय दिला? भांडण उठलं की हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान ते म शब्द फार त्यांना आवडतंय। कुणाला? मोदींना। उठला सुटला कोणत्याही भाषण मध्ये तुम्ही त्यांनी अगोदर बोलतोय मुगल, मुगल से मुसलमान, मग मुसलमान गेला तब दुसरा सांगतो त्यांनी मंगलसूत्र। आणि जितके त्याला सांगायचं आहे ते सगळे हिंदू मुसलमान मध्ये वाटणार, डिवाइड करणार हेच बोलतोय तू। देशाबद्दल काही बोलतच नाही, तू काय केलास हे फार महत्त्वाचं आहे। तुम्ही जे केला ते सांगा ना, तुमच्या वोट जे मागायचं आहे, तुम्ही वोट जे विचारायचं आहे तुमच्या कामावर विचारा। मी हे काम केलं त्याच्यासाठी वोट द्या म्हणा, उठला सुटला की काहीतरी गोष्ट करतोय। आम्ही कितीतरी मोठे मोठे इंजिनिअरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, आयटी, बीटी आणि पब्लिक सेक्टर्स हे सगळं केलं आणि भारताला सुंदर करून आम्ही मजबूत करून आज लोकतंत्र मध्ये आम्ही जिवंत आहोत। हे काही केलं नाही बिचारा, पण सगळीकडे सांगतोय मी हे केलं ते केलं। आणखीन एक सांगत होतो अगोदर, काय सांगत होता मी, अहमदाबाद पासून मुंबई पर्यंत बुलेट ट्रेन आणतो। बुलेट ट्रेन कुठं आहे भाऊ तुझी बुलेट ट्रेन? 1 लाख रुपये जपान मधून खर्च घेऊन बुलेट ट्रेन आणणारे होते। कुठून? अहमदाबादहून मुंबईला। कुठे गेले ते पैसे? कुठे आहेत? आता 10 वर्ष झाले, 10 वर्षाच्या पूर्वी तुम्ही सांगितलं होता। अहो लोकांना किती तुम्ही मूर्ख करता, लोक आता हुशार झालेले आहेत। काही दिवसांसाठी तुम्ही मूर्ख करू शकता, काही लोकांना तुम्ही अनिश्चित काळपर्यंत करू शकता, पण सर्वांना सर्व काळी मूर्ख करून ठेवता येत नाही हे तुम्ही समजून घ्या। आमचे लोक आता फार हुशार झालेत, ह्या वेळेला तरी त्यांना धडा शिकवतील, त्यांना पाठ शिकवतील। आणि मोदीजी आता 400 पार म्हणते, ह्याचं 40 सुद्धा पार होणार नाही। आणि आम्हाला म्हणतो 50 येत नाही तुमचे, अपोजिशन लीडर काय तुम्ही भविष्य बघता? भविष्य बघा तुम्हाला येत आहे? आम्ही म्हणतो की बीजेपीला रोखण्यासाठी, बीजेपीला आणि मोदीला सत्तेवर येण्यासाठी जे रोख पाहिजे ते जरूर आम्ही रोखणार आहोत आणि आमची बहुमत जरूर येईल। काय गठबंधन हे जे आहे आमची मजबूत आहे सगळीकडे, महाराष्ट्र तर फार मजबूत आहे। आमचे रिपोर्ट असे आहेत की सगळ्यात जास्त सीटा असल्यापैकी महाराष्ट्रात आम्हाला जास्तीत जास्त मिळेल। आणि मोदींना आता मोदी किती वेळ बोलायला हो महाराष्ट्राला, अगोदर या म्हणला तरी येत नव्हता 10 वर्षाच्या अगोदर किंवा 5 वर्षाच्या। आता गल्ली गल्ली फिरू लागलाय रोडावर, ते काय म्हणतात कोणता शो, रोड शो। अरे कोणता प्राईम मिनिस्टर 100-200 रोड शो करतो? प्राईम मिनिस्टर क्वचित कधी येतात, स्टेटमध्ये 1-2 भाषण करतात, आपली जो पॉलिसी आहे प्रोग्राम आहे सांगतात आणि जातात। हा एक गल्ली सोडत नाही, गल्ली पासून दिल्ली पर्यंत हेच रोड शो। रोड शो जो रोड शो करतोय ना ते देशाची भलाई कधी करणार नाही। त्यासाठी मी तुम्हाला सांगतो की तुम्ही, तुम्हाला जर SC ST OBC
यांचे आरक्षण कायम ठेवायचे असेल, तुम्हाला आगे तुम्हाला पुढे यायचे असेल, तुम्ही संविधानचा रक्षा केलंच पाहिजे, नाहीतर हे तुमचं नुकसान होणार आहे। ना मोदीचं नुकसान होणार नाही, ना पटोलेचं नुकसान होणार नाही, माझं नुकसान होणार नाही। नुकसान कुणाचं होईल? गरिबांचं होईल, ज्यांच्यासाठी रिझर्वेशन आहे, ज्यांच्यासाठी रिझर्वेशन कामात आहे, नोकरीत आहे, ते परेशान होतील। बंधूंनो, मी आणखीन एक दोन गोष्टी सांगून मी थोडस विराम घेतो, पण अग्निवीर योजना काढली आहे। अरे अग्निवीर म्हणजे 4 वर्षांसाठी त्यांना रिक्रूट करायचं, त्याच्यानंतर पाप बिचाऱ्यांना घरी पाठवायचं। अगर मिलिटरी मध्ये ते भरती केले गेले तर ते शाश्वत तिथे नोकरी करत असतात। पण मोदी एक नवीन हे काढला की लोकांना जास्त पैसे देऊ नये, नोकरी यांची टेम्पररी असाव म्हणून अग्निवीर योजना काढून ते आमच्या युवकांना दिशाभूल केली। असे मोदीचे स्कीम आहेत, त्याच्यासाठी तुम्हाला मी विनंती करतो की असे जे प्रधानमंत्री आहेत ते देशासाठी काही करणार नाहीत आणि त्यांना तुम्ही सत्तेपासून दूर ठेवायला पाहिजे, हेच माझी विनंती तुम्हाला आहे। आणि बीजेपी केव्हाही जे सरकार निवडून येत आहे त्या सरकारला कसं पाडायचं त्याच्याकडे की आहेत 2-3, एक ईडी आहे, एक सीबीआय आहे, एक इन्कम टॅक्स आहे, ते 3 छाया घेऊन फिरतोय। एक शाहकडे असतंय, दुसरा याच्याकडे असतंय, यांनी चावी काढून सांगितलं ठीक आहे ईडी कर, तर ईडी लावला त्याच्या पाठीमागे। कुणाला सांगितलं आता सीबीआय एन्क्वायरी कर, सीबीआय। तिसऱ्याला आयटी इन्कम टॅक्स धाड घाल त्याच्यावर, त्याला भिवून इतके लोक तिकडे पळू लागले। चव्हाण गेले, अजित पवार गेले, त्याच्यानंतर शिंदेला काय झालं होतं मला माहित नाही, तो तरी तोडूनच गेला शिवसेना। हे लोक देशाची भलाई करतील? अरे तुमच्याकडे आयडियोलॉजी नाही, तुमच्याकडे जर विचार नाही, ज्याच्याकडे विचार और आयडियोलॉजी नाही तो देशासाठी आणि राज्यासाठी काही काम करणार नाही, हे तुम्ही लक्षात ठेवा। पळून जाणारे माणसं राज्याला काम करतील? पळून जाणारे देशासाठी लढतील? हे विचार करा तुम्ही। असले लोक फार इथं झालेले आहेत आणि महाराष्ट्र कधी मागे बघितलं नाही, पुढे बघून चाललं। पण आता काही नेते लोक असं आहेत की आम्हाला पाठी मागून काय म्हणतात ते छुरी वार करून ते मारू लागले, पण त्यांना हे माहीत नाही पुढचा माणूस बघू लागला त्यांनी कुणाला मारताय, नंतर त्यांचाही नंबर लागेल। यांचं एवढंच नाही, धुळे आणि नंदुरबार या जरा किसानों की हमेशा या बुरी हालत होती, प्याज का हो, कपास का हो, और जो जितना भी उत्पादन होता है उसके बारे में हम हमेशा पढ़ते हैं, ड्रॉट आता है, मार गिरती है तो इधर ही गिरती है, तो इसको देखने वाले कोई नहीं है। इसीलिए हम किसानों के लिए उचित दाम देंगे और हम किसानों के लिए लड़ेंगे, ये बात मैं आपके सामने करना चाहता हूं। अब मैं ये झूठा तो नहीं बोल सकता जैसा मोदी बोला कि डबल इनकम करूंगा, ट्रिपल करूंगा, मैं करूंगा, जरूर करूंगा। इसीलिए तो 5 हमारी कैंडिडेट अभी बच्चा शोभा ताई जी बोले कि हम क्या करने वाले हैं, उन्होंने कहा हमारे 5 नहीं, उन्होंने कहा 25 गारंटी। इस गारंटी में कि
किसानों के लिए है, मजदूरों के लिए है, युवाओं के लिए है और हमारे महिलाओं के लिए। महिलाओं को तो हमारे पार्टी में इतना महत्व दिया गया है, एक एक महिला को हर साल 1,00,000 रुपए हम उनके अकाउंट में डालेंगे, 1,00,000 उनके अकाउंट में डालेंगे, हर महीना 8,500 रुपए डालेंगे और साल को 1,00,000। मोदी जी आप क्या देने वाले, आप तो हमको गालियां दे रहे हैं, ये कांग्रेस वाले ऐसे फुकट के खिला खिला के लोगों को सुस्त कर रहे हैं, लोगों को बगैर काम किए खाना दो बोल रहे हैं, ये बांट रहे हैं, ये मोदी जी की सोच है। तो इसीलिए मैं ये कहूंगा कि जो हमारे वायदे हैं, जीएसटी हटाने का, एमएसपी की गारंटी, फसल नुकसान 30 दिन में हम करेंगे, किसानों का कर्ज माफ करेंगे और किसान हितैषी एक्सपोर्ट इंपोर्ट को भी हम बढ़ावा देंगे। आदिवासियों पर अत्याचार के दौरान मोदी जी ने आरएसएस के लोग को कहा चुप बैठो, कभी भी मोदी जी अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाए। मणिपुर में आदिवासी महिलाओं पे अन्याय हो रहे, रेप हो रहे, उनके घर लूटे जा रहे, जलाए जा रहे, लेकिन मोदी जी 13 देशों के टूर किए लेकिन मणिपुर का टूर नहीं किया। 300-400 इलेक्शन भाषण करे, हर जगह जा रहे, फिर मैं पूछना चाहता हूं आप हर जगह जाने वाले मणिपुर क्यों नहीं जा रहे, क्या है? इतना डरपोक है, वहां जाने के लिए डरता है। और उसी जगह से राहुल गांधी ने अपनी पद यात्रा निकाली महाराष्ट्र तक, मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र, उन्होंने खुद हर गांव लोगों से मिलते आए, इन्होंने भाषण करने को भी तैयार नहीं, जाने को तैयार नहीं। तो हमको ये सोचना चाहिए कि जो लोग बात करते हैं वो लोग काम नहीं करते। तो इसलिए ऐसे नेताओं को या नेताओं का बात सुन के अगर हम कुछ उनको वोट देने जाएंगे तो सत्यानाश हमारा हो जाएगा। उन्होंने हमेशा ऐसा बोले, सबका साथ सबका विकास, लेकिन बाबा तुमने सबका साथ सबका विकास तो बोला, सबका साथ तो लिया लेकिन सबका सत्यानाश कर दिया। और ऐसे मोदी को अगर आप वोट डालेंगे फिर से देश बर्बाद हो जाएगा। और जो इतना त्याग बलिदान देकर हमने लाया है और इस देश को एकता रखने के लिए हमने जो कोशिश की है वो सब पानी में मिल जाएगा, मिट्टी में। आपको और एक मैं बात कहूंगा, गांधी जी ने एक बात कही थी, क्या कही थी, मेरी लोकतंत्र की कल्पना ऐसी है कि उसमें कमजोर से कमजोर को भी उतना ही मौका मिलना चाहिए जितना कि समर्थ को मिलता है। सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठकर राज चलाने वाले 20 लोगों से नहीं चलता, वो हर गांव में हर इंसान को चलाना पड़ता है, ये महात्मा गांधी जी का स्लोगन है। और मोदी जी सिर्फ 2 लोगों से चला रहे सरकार, ये खुद और एक शाह, और ऐसा भी है अमीर भी वही बना रहे, दूसरों को गरीब भी वही बना रहे, यहां तक बनाए कि जितने भी 1-2-4 लोग अमीर है वो सब उनके साथ में है। लेकिन हमको बोल रहे हैं आजकल कांग्रेस वाले, भाई अदानी अंबानी के बारे में बात ही नहीं करते, अरे क्योंकि उनके घर से टेम्पो में पैसे जा रहे हैं, बस में पैसे जा रहे हैं, जीप में पैसे जा रहे हैं, ये कौन बोल रहे है? मोदी बोल रहे हैं। अरे टेम्पो में पैसे कांग्रेस को जा रहा है, अगर
ऑटो में जा रहा है, बस में जा रहा है, आप क्या नींद कर रहे हैं क्या? अदानी अंबानी के घर से जब पैसा निकलता है दूसरों को देने के लिए, आपके लोग क्या कर रहे थे? आप तो 800 लीडर को अंदर डाले, फिर इनको भी दो को घर में घुस के ईडी का छापा डालो, इनकम टैक्स की रेट डालो, वो नहीं करते तुम। चुप, कांग्रेस को गालियां देना और भाग जाना ये उनका है। अगर हिम्मत है तो अदानी अंबानी पे घर पे तुम आईटी की रेट डालो, सीबीआई की रेट डालो, ईडी की रेट डालो, तब आपको मालूम होगा कौन सच है। आज तक उनका हिफाजत करते थे, अब हमको बोल रहे। तो इसीलिए दोस्तों, मैं ज्यादा और भी बातें ना कहते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि हर चीज महंगी हो गई, हर चीज इतनी महंगी हो गई गरीब के बस की बात नहीं है। तो इसके लिए हम एक तरफ जो हमारी महंगाई बहुत बढ़ रही है और दूसरी तरफ अनएम्प्लॉयमेंट, नौकरी नहीं मिल रही, एक तरफ नौकरी नहीं मिल रही, एक तरफ हमारे जितने भी लोग हैं परेशान हैं। तो इसीलिए हमको सब मजबूत होके एक होके काम करना है और पंजे को चुन के लाना है, हाथ के पंजे को चुन के लाओ। और हमारे ताई शोभा ताई को आप चिता के लाओ ज्यादा से ज्यादा वोटों से, लाएंगे ना? अरे चलो जोर से बोलो, लाएंगे। तो धन्यवाद आपको। मैं आखिरी एक स्लोगन लगाता हूं, वो कम मैं कहूंगा, मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ, जय हिंद जय हिंद। क्यों जय हिंद बोले तो कमजोर हो जाते हैं? जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। सबको धन्यवाद और नमस्कार। आप उनके चुनाव में घर घर जाके प्रचार करेंगे, दिन कम है, काम करना है, चुन के लाना है और मोदी जी को जवाब देना है। तो इतना कहते हुए मैं बातों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।